की बेटर फॉर्म भी होगी, सुपरपोजिशन लॉ भी आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आप पढ़ सकते हैं ये। इफ यू हैव ए ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके थ्री चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3, डिस्टेंस है आपकी ए ए ए, ठीक है। तो आप किसी एक पॉइंट चार्जेस पे फोर्स फाइंड करेंगे, तो ये फोर्स हम फाइंड करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से आप और हम क्या करते हैं किसी, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर है तो इसको वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करेंगे। और आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, तो वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि टू वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस पे टोटल फोर्स फाइंड करना है Q2 पे, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये Q2 है आपका, Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स है, क्योंकि ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन की इधर होगी F Q1, इसकी डायरेक्शन होगी F टू टू थ्री, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है इन टू चार्जेस के बीच में, ये फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, इनको ऐड कैसे करेंगे, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा F 21 वेक्टर प्लस F 23, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3 को फाइंड करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड कर रहे हैं, और ये क्या है आपका Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे के Q2 अपॉन A2, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा के Q2 अपॉन A2, तो आपने देखा दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, आप फाइनली ऐड करेंगे से, दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस सेम है, तो आप इसको एफ डैश ले सकते हैं, ये भी एफ डैश के इक्वल होगा, दिस एफ डैश स्क्वायर और एंगल 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पर एफ डैश अंडर रूट जी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 2, 3, ये एफ डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर एफ इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा थ्री, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला एफ डैश अंडर रूट थ्री, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रायंगल स्क्वायर सपोज करिए आपके पास स्क्वायर है, आपके पास फोर्स चार्जेस है, ये की फोर है, और आपको सेंटर पे फोर्स फाइंड करना है, तो सेंटर पे फोर्स आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे फोर्स हमारा हो जाएगा, सेंटर पे कोई चार्ज लगा हुआ है इस पर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर, तो फाइनली क्या होगा सेंटर पे फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। और अगर इसको अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं सेकंड पॉइंट डायरेक्शन, ये हमारा Q1 था, Q2, Q3, Q4, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और ये वाला इन दो Q1 एंड Q3 की वजह से जो टोटल फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो ड्यू टू Q1 एंड Q4 टू जीरो, इसकी वजह से टोटल फोर्स होगा आपका जीरो होगा, फाइनल फोर्स हमें क्या मिलेगा Q3 एंड Q4, बिकॉज चार्जेस के मैग्नीट्यूड हमारे सेम है, तो हम यहाँ पे क्या निकलेंगे, ये जो डायरेक्शन है Q3 की वजह से है, और इसकी भी डायरेक्शन होगी वो भी किधर ही होगी, इधर ही, टोटल फोर्स हमारा होगा यहाँ पर FP इक्वल टू
ये आपको पता है टोटल डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ए अंडर रूट टू, देन हाफ क्या होगी, ए अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पर आप देखिए सी स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट टू स्क्वायर। तो फाइनली हमें हमें मिल जाएगा टू ए क्यू स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर, बोल सकते हैं फोर ए क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या हुआ रिजल्ट, सेम ईयर आप और भी क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस आपने देखा था कि साइड फाइनल हमें क्या मिल रहा था, के फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम हियर, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है तो हमें इधर भी कितना कितना ही फोर्स मिलेगा, फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बट ये क्या है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तब आप फोर्स को टोटल कैसे करेंगे, सपोज करिए आपने एफ वन ले लिया है और ये आपका क्या है एफ टू है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। और आपको पता है फोर्स जब हम ऐड करते हैं तो फाइनली फोर्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ स्क्वायर एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है हमारा 0, दिस पार्ट इज 0, सो ये पार्ट हमारे पास बचेगा। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ अंडर रूट टू, और एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू। तो ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स। सेम ईयर ऐसे आप हेक्सागन पेंटागन और भी क्वेश्चन टाइप से फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज हो रहा है, बाकी सारी मैकेनिक्स बाकी सारी आपकी 11 की मैकेनिक्स यूज हो रही है जो कि वेक्टर की फॉर्म है, पूरा वेक्टर आपका यूज हो रहा है। तो अगर आपको वेक्टर सही से आ रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, अगर आपके पास टू चार्जेस है Q1 है और एक Q2 है और एक Q1 है, ठीक है, तो आपको थर्ड चार्ज को इस टाइप से रखना है कि वहां पर टोटल फोर्स क्या हो आपका 0। तो ये आपकी क्या है लाइन जॉइनिंग है, तो आपको थर्ड चार्ज सिचुएशन पर रखना हो और थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करें कि हमारा टोटल फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जिस पॉइंट पर टोटल फोर्स क्या होगा आपका 0। तो हम यहाँ पर थर्ड चार्ज को नहीं रख सकते क्योंकि हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या, ये जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स क्या है सेंट्रल फोर्स है। तो हम चार्ज यहाँ भी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी, यहाँ भी रखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मिलेगी जब हम इस लाइन पे ही कहीं पर चार्ज को प्लेस करते हैं। अगर आपने चार्ज को यहाँ पर प्लेस किया, सपोज करिए आपने पॉइंट चार्ज लिए यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन होगी वो साइड होगी एफ टू, नॉट
वजह से उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये भी रिपल करेगा, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर फोर्स की डायरेक्शन अगर फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो ये क्लोरीन कंडीशन में नहीं हो सकता। क्लोरीन कंडीशन तब मिलेगी जब फोर्स दोनों क्या हो, अपोजिट, तभी टोटल फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो। ठीक है, अगर हम इस साइड प्लेस करते हैं तो क्या होगा, फाइनली हमें डायरेक्शन में मिलेगा F1V और F2V। तो ये भी हमारा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो हमें कहाँ पर रखना होगा, चैप्टर चार्ज को Q1 एंड Q2 के मिड में। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस साइड होगी, की वजह से फोर्स की डायरेक्शन होगी F1 इस साइड होगा और F2 इस साइड होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, तो थर्ड चार्ज को हम ला रहे हैं, अगर सेम, अगर आप, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था, अगर सेम ईयर अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हैं तब क्या होगा, ये Q1 ही है, ये Q2 है, और आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तब क्या होगा, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, तभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इस साइड में इक्विलिब्रियम। इफ अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तब भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन Q2 है, Q1 है, F2 साइड ही होगा, F2 साइड। ठीक है, तब भी क्लोरीन कंडीशन में मिलती है। तो हमने फाइनली यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, और अब थर्ड केस अगर हम लेते हैं, हमने लिया एक पॉजिटिव, एक लिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम मिड में रखते हैं उस चार्ज को, तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो मिड में तो नहीं रख सकते हैं हम चार्ज, तो हमें कहाँ रखना होगा, किसी एक साइड। अगर हम यहाँ पे रखते हैं चार्ज को, तो इसकी वजह से डायरेक्शन होगी इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। ठीक है, तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से हमारा कंक्लूजन ये निकला, अगर चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो थर्ड चार्ज हमें मिड में रखना होगा, थर्ड चार्ज मिड में रखेंगे तभी क्लियर कंडीशन मिलेगी, और सेम चार्ज मतलब नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तभी क्लियर कंडीशन हमें मिड में मिलेगी, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो हमें इक्विलिब्रियम वन साइड मिलेगी, और वन साइड में भी इधर जो चार्ज हमारा स्मॉल होगा, तो मोस्टली आपके पास एक था 4E और एक था E, तो हमें जो कंडीशन मिलेगी वो E के साइड मिलेगी। जैसे इसको फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर आप ले रहे थे एक्स डिस्टेंस पर, ये हमारी ए डिस्टेंस है, चार्ज को ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से इधर केस तो मिल रहा है, बट अगर फोर्स आप फाइंड करेंगे यहाँ पर इसकी वजह से, तो हमें फोर्स मिलेगा ए फोरी अपॉन ए प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर। हमें मिल जाएगा यहाँ पर के ई क्यू अपॉन, यहाँ पे ले रहे थे इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है इस साइड और इसकी डायरेक्शन है इस साइड, तो ये हमें मिलेगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि के क्यू फोर ई, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, यह मैग्नीट्यूड कम है, यह मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम है यहाँ कम होना चाहिए, तो इस साइड हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम किस साइड लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम कहाँ पर कंसिडर, कहाँ पर लेंगे थर्ड चार्ज को, स्मॉल चार्ज के पास।
यहाँ पर आपने थर्टा कंसिडर किया एक्स डिस्टेंस पे, तो केस आपको मिलेंगे कि अपॉन एक्स स्क्वायर कि फोर्टी टू अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉसिबल है। ये मैग्नीट्यूड भी लार्ज है और ये मैग्नीट्यूड भी लार्ज है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर, तो ये पॉसिबल है। तो ऑलवेज क्या होगा, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे हमें थर्ड चार्ज प्लेस करना है वो हमें क्या मिलेगा, छोटे चार्ज के